दोस्त, तुम हाजी अली सरकार की बारगाह को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है तमाम ही हिंदू मुसलमानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें अब तक नहीं मालूम है कि हाजी अली सरकार का उर्स मुबारक चल रहा था और दोस्तों वो कौन से दिन था और इस दौरान दोस्तों कितने लोगों की तादाद आपकी बारगाह में पहुंची, इन तमाम ही चीज़ों के ऊपर हम गौर व फिक्र करेंगे। दोस्तों आप जानते ही हैं कि अल्लाह ताला अपने वलियों को बड़ी कुव्वतों से नवाजता है और हाजी अली सरकार की शान का तो क्या ही कहना। सारी जिंदगी आपने अल्लाह की रजा के लिए काम किया और फिर अल्लाह ताला ने आपको विलायत का मनसब अता किया। आपकी बारगाह वो बारगाह है जो कि खुसूसी तौर पर अगर देखा जाए तो टूरिस्ट प्लेस में आता है और आपकी बारगाह में हर मजहब के लोग मिल जाएंगे। हर मजहब के लोगों की आस्थाएं जो है वह आपकी बारगाह से जुड़ी हुई है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी आपकी बारगाह में यकीनन जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपका उर्स मुबारक जो है वो 20 अक्टूबर जी हाँ दोस्तों 2024 को था, यानी दोस्तों संडे के दिन था और इस दौरान दोस्तों हजारों हजारों की तादाद में आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे अकीदत रखने वाले दोस्तों इस दौरान आपकी बारगाह में पहुंचे। हर तरफ यकीनन हुजूम ही हुजूम देखने को मिल रहा था। दोस्तों आपकी बारगाह में यकीनन बार बार दर्दो सलाम का नजराना पढ़ा जा रहा था, जिसको देख करके यकीनन दिल बाग बाग हो जा रहा था। तमाम ही आशिकान रसूल हों या फिर तमाम ही हाजिली सरकार के चाहने वाले यकीनन मस्ती में झूम रहे थे। हर तरफ रौनक ही रौनक देखने को मिल रही थी। यकीनन इस दौरान जो भी हाजी अली सरकार की बारगाह में पहुंचे, यकीनन वो बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की वलियों की बारगाह में भी वही जाते हैं जिनको अल्लाह ताला ये सआदत नसीब फरमाता है। क्योंकि दोस्तों ज़रूरी ये नहीं है कि हर किसी के दिल के अंदर वली की मोहब्बत हो। दोस्तों बहुत से मुसलमान भाई भी हैं लेकिन वलियों से बुग्ज़ रखते हैं, लेकिन वहीं अल्लाह ने गैर मुसलमों के दिल के अंदर भी वलियों की मोहब्बत डाल दी है और आप देख सकते हैं कि मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम आपकी बारगाह में जाते हैं मिन्नत समाजते ले करके, और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से उन तमाम ही लोगों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। जी हाँ दोस्तों, आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि कितनी तादाद में आपकी बारगाह में लोग पहुंचे उर्स मुबारक के मौके पर। आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी बारगाह समुन्दर के बीचों बीच होने के बावजूद भी सदियों से यूं ही बरकरार है। जी हाँ दोस्तों, संडे के दिन का मंजर यकीनन हम लफ्जों से बयां भी नहीं कर सकते। बड़ी दूर दराज से लोग आए हुए थे। आपके चाहने वाली आपकी शोहरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही नहीं, तमाम ही भारत के अलग अलग राज्य में आपके चाहने वाले मौजूद हैं, और सिर्फ भारत देश ही क्यों, दुनिया भर से आपकी बारगाह में लोग आते हैं हाजिरी देने के लिए। तो यकीनन दोस्तों ये भी सआदत और ये खुशनसीबी जो है अल्लाह ताला हर किसी को अता नहीं करता, और जिसको अता करता है वो यकीनन खुशनसीब होते हैं। बस अफसोस की बात यही है दोस्तों के उर्स के मौके पर तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में पहुंचते हैं, लेकिन वहीं पर एक मंजर और देखने को यह भी मिल रहा था कि हाजी अली सरकार की बारगाह में ही मस्जिद थी, लेकिन वो पूरी की पूरी नमाज के वक्त खाली नजर आ रही थी, जो कि बड़े अफसोस का मुकाम है। चंद ही ऐसे लोग थे जो उसमें नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। जी दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाइए, अकीदत और मोहब्बत रखिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह के वलियों की बारगाहों पर तो जाएं लेकिन मस्जिदें वीरान हो जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ना तो अल्लाह का रसूल राजी होगा, ना तो अल्लाह राजी होगा, और ना ही अल्लाह का वली राजी होगा, क्योंकि तमाम ही अल्लाह के नेक बंदों ने यकीनन अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता बताया है, ना कि अल्लाह से दूर करने का। अल्लाह के वली हमेशा लोगों को नमाज के लिए कहते थे, लेकिन आजकल लोग नमाजों से ही दूर हो रहे हैं, जो कि निहायत ही अफसोस का मुकाम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम ही लोगों की दिली जायज दुआओं को कबूल फरमाए और हमें 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप में से भी कोई उस दौरान हाजिले सरकार की बारगाह में पहुंचा था? अगर पहुंचे थे आप उर्स के मौके पर तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपका जो ये उर्स मुबारक 20 अक्टूबर 2024 संडे के दिन हुआ, ये दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ 598वां उर्स मुबारक था, और आपका पूरा नाम सैयद पीर हाजी अली
अली शाह बुखारी है, यानी आप बुखारा से आए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी जो उस मुबारक को लेकर आई थी, जो मुझे लगा था आपको बतानी ही बतानी चाहिए। और यकीनन हम दोस्तों सच में खुश नसीब हैं कि अल्लाह के वलियों का जिक्र करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करते हैं, सहाबा इकराम का जिक्र करते हैं, अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं। वरना बाज ऐसे भी लोग हैं, अगर कोई वली का जिक्र करता है तो वो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां कर देता है, अगर कोई सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां कर देता है, अगर कोई सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां नहीं करता तो वली तो वलियों की शान में गुस्ताखियां कर देता है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों के अंदर बुग्ज नजर आता है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुग्ज से बचाए और तमाम ही अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और यकीनन ये बात सच है, जो भी अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं यकीनन वो सच्चे आशिकान रसूल हैं, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो अल्लाह के रसूल तक पहुंचाते हैं और अल्लाह के रसूल यकीनन हमें अल्लाह से मिलाते हैं। तो हम बड़े खुशनसीब हैं दोस्तों कि हम प्यारे आका के उम्मती हैं, और यकीनन तमाम ही वलियों ने हमें हक का रास्ता बताया है, तो हमें उसी रास्ते पर चलना है, ना कि ऐरे गैरे की बातों में आना है। आजकल तो मार्केट में ऐसे ढोंगी पीर बहुत से घूम रही हैं जो वली होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकतन में दोस्तों ना वो अल्लाह के वली हैं, और ऐसे लोग तो अल्लाह की नजर में यकीनन बड़े गुनाहगार होते हैं जो झूठी विलायत का ऐलान करें, क्योंकि अल्लाह के वली कभी भी अपनी विलायत का ऐलान ही नहीं करते, उन्हें देखकर तो लोग खुद पहचान जाया करते हैं। इसीलिए ढोंगियों से बचने की जरूरत है और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत कीजिए। कुर्बान जाइए हाजिल सरकार की बारगाह पर कि आपकी बारगाह सदियों से समुद्र जू की तू खड़ी है। मुंबई में बड़ी बड़ी आफतें आती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन आपकी बारगाह तक एक जर्रा भी पानी नहीं पहुंच पाता। यकीनन ये बहुत बड़ी करामत है। इन तमाम ही चीजों को देख करके लोग हक की तरफ आ रहे हैं, और यकीनन जो ईमान नहीं लाए वो भी आपकी बारगाह में आना पसंद करते हैं। तो दोस्तों बस आप लोगों से यही कहना है कि दीन के तरीके पे चलिए, जो इस्लाम सिखाता है, जो अल्लाह के नेक बंदे बताते हैं, ना कि दूसरों की बातों में आकर अपना ईमान खराब करें। फिलहाल उर्स में अगर आप पहुंचे तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जरूर जरूर शेयर करें। मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा। तकदीर देखी निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और अली जिस को चाहिए वली उसको कर दी, अली जिस को चाहे वली उसको कर दिए, अली की निगाह में वो ताकत देखी। अली जिस को चाहे वली उसको कर दे, अली जिस को चाहे वली उसको कर दे, अली के निगाह में वो ताकत है देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।